स्टूडेंट वी आर वेलकम इन अवर एसएससी क्लास आई एम माधुरी भानुप्रिया जैन योर एसएससी से टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर फोर। चैप्टर नंबर फोर में हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे। एग्रीकल्चर में हम पढ़ रहे थे कि जो अदर देन क्रॉप हैं, मतलब जो कि फूड्स के अलावा है, जो कि नॉन फूड क्रॉप हैं, उसमें हमने पढ़ लिया था। फाइबर क्रॉप के बारे में पढ़ा था, कॉटन के बारे में पढ़ा, रबर के बारे में पढ़ा, और हम पढ़ेंगे जूट। जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। जूट ग्रोज वेल इन द वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। ये फर्टाइल सॉइल में ही ग्रो होता है। फ्लड प्लेन, और ये फ्लड प्लेन में होता है। वेयर द सॉइल आर द रिन्यूड एवरी ईयर, जहाँ पर जो सॉइल है वो एवरी ईयर रिन्यू होती है। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर, इसके लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ग्रोथ इन द वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। ये मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। इट इज़ यूज फॉर द मेकिंग द गनी बैग। ये गनी बैग बनाने के काम आता है, मैट बनाने के काम आता है, रॉप बनाने के काम आता है, यार्न के काम भी आता है, कारपेट बना लेते हैं इससे, अदर द आर्ट फैक्ट, और बहुत सारे जो आर्ट है जो इससे ही बनती है। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। इट इज़ लूजिंग द मार्केट इन द सिंथेटिक फाइबर, इसकी जगह पर, मतलब इसकी जगह पर लोग सिंथेटिक फाइबर का यूज़ कर लेते हैं। पैकिंग द मटेरियल पार्शियली इन द नायलॉन, और या फिर नायलॉन का जो मटेरियल है वो परचेज कर लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इट वॉज द मैंशन इन द प्रीवियस पेजेस। ये प्रीवियस पेजेस में हम मैंशन कर चुके हैं। द एग्रीकल्चर हैज बीन द प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर द थाउजेंड ऑफ द ईयर, मतलब थाउजेंड ऑफ ईयर्स इंडिया प्रैक्टिस कर चुकी है। एंड द सस्टेन यूज ऑफ द लैंड विदाउट द कम्फर्टेबल एंड टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, वी हैव द हंटर टू द पेस ऑफ द एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। इन स्पाइट ऑफ द डेवलपमेंट सोर्सेज ऑफ द इरीगेशन, मोस्ट ऑफ द फॉर्मर द लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री स्टिल डिपेंड अपॉन द मानसून एंड द नेचुरल फर्टिलिटी इन ऑर्डर टू द कैरी ऑन द एग्रीकल्चर। फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन द प्रोसेस टू द सेक्शन चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर विच इज़ प्रोवाइडेड द लिवलीहुड फॉर द मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन नीड सम ऑफ द सीरियस टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, मतलब कि हमको नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नई चीज़ों की आवश्यकता है। इन द कलेक्टिव रजिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द होल्डिंग एंड कॉरपोरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ जमींदार एक्सेट्रा वर गिवन टू द प्रायोरिटी टू द बींग टू बी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी बढ़ावा देते हैं। इन कंट्री डिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म वॉज द मेन फोकस टू द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, मतलब कि इनका फर्स्ट फाइव ईयर प्लान पर ज़्यादा फोकस होता है। द राइट ऑफ द इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लीड टू द फ्रेगमेंटेशन एंड लीड टू द होल्डिंग नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ द होल्डिंग एंड लॉज इन द लैंड रिफॉर्म द एक्टेड, बट द इम्प्लीमेंटेशन वॉज लैकिंग द लुकवार्म एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्बार्क्ड अपॉन द इंक्लूडिंग द एग्रीकल्चर रिफॉर्म एंड इम्प्रूव द इंडियन एग्रीकल्चर 1960, मतलब हमारे एग्रीकल्चर जो है 1960 से 1970 के बीच में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ द पैकिंग टेक्नोलॉजी, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो भी नई टेक्नोलॉजी लेकर के आई। वाटर रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड, वाइट रेवोल्यूशन को ही ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, और ये भी इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन सम ऑफ द स्ट्रेटजी इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब बहुत सारी जो टेक्निक है, स्ट्रेटजी है, वो यूज़ की जाती हैं एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। बट दिस टू लेट टू द कंसनट्रेशन ऑफ द डेवलपमेंट, और ये इसकी कंसनट्रेशन को, डेवलपमेंट को बढ़ाती है। इन द फ्यू सेलेक्शन एरिया देयर फॉर इट इज़ द 1980 to 1990 द कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, वॉज द इनिशिएटेड विथ द इंक्लूडेड बोथ द इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म एंड प्रोविजन फॉर द क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट द क्रॉप फ्लड साइक्लोन एंड फायर एंड द डिसीज एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जर्मन बैंक इन कॉपरेटिव सोसाइटीज एंड द बैंक प्रोवाइडिंग द लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं टू बी द फार्मर्स एंड द लोअर रेट्स ऑफ द इंटरेस्ट रेट वर सम इम्पॉर्टेंट स्टेप इन दिस डायरेक्शन। किसान क्रेडिट कार्ड, मतलब KCC पर्सनल अकाउंट इंश्योरेंस टू द स्कीम ऑफ द PAIS और सम अदर स्कीम
स्कीम्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई कुछ स्कीम है ऑफ द इंडिया एंड बेनिफिट फॉर द फार्मर, जो कि किसानों को फ़ायदा पहुंचाती है। मोर ओवर द स्पेशल वेदर एंड बुलेटिन एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर द फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस ऑन द रेडियो एंड टेलीविज़न। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस द मिनिमम सपोर्टेड प्राइजेज एंड इनोवेटिव एंड द प्रो एंड प्राइजेज एंड इम्प्लीमेंट द क्रॉप एंड चेक द एक्सप्लोटेशन फार्मर बार्टर्स एंड मिडलमैन। और ये सारी जो योजनाएं हैं वो किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में बोलन, महात्मा गांधी डिक्लेयर द विनोबा भावे एज हिज स्पिरिचुअल हेयर एंड ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सत्याग्रह। उन्होंने सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था विनोबा भावे में, एज वन ऑफ द फॉरमोस्ट सत्याग्रही, और ये भी एक मेन सत्याग्रही में से एक थे। उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।